रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। नमस्कार दोस्तों, आए हुए ये है रोशनी का कारवा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। हाँ, और आप सभी को सबसे पहले सलीमा रजा की तरफ से होली की ढेर सारी शुभ रंग बिरंगी कामनाएं। दोस्तों, जिंदगी में हादसे किसके साथ नहीं होते, है ना? और कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो जिंदगी बदल सकते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ बंगलुरु के रहने वाले डॉक्टर सतीश अमरनाथ के साथ। किसी ने उनके चेहरे पर एसिड यानी कि तेजाब फेंक दिया, जिसमें उनकी आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन जिंदगी के लिए उनका सकारात्मक नजरिया तब भी कम नहीं हुआ और वो पहले की तरह ही एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट के तौर पर काम करते रहे। आइए सुनते हैं हमारे सहयोगी जॉर्ज इब्राहिम और डॉक्टर सतीश अमरनाथ के बीच हुई ये खास बातचीत। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सतीश अमरनाथ। सतीश जी, जैसे ही हादसा हुआ और आपका दृष्टि चली गई, तो आपका इमीडिएट रिस्पांस क्या था उसका? मेरा कुछ डॉक्टर्स फ्रेंड थे और एक था उसमें ऑप्टोमोलॉजिस्ट था डॉक्टर रवि बट्टू करके जी, वो मुझे आके बताया 4 या 5वीं दिन हादसा के बाद कि मेरा दृष्टि तो नहीं आएगा जी। तो मेरा अंदर ही अंदर एक आशा तो जरूर था तो कुछ होगा, लेकिन मेरा दूसरी तरफ ये महसूस हुआ मुझे मेरा जिंदगी चलाना है, मेरा फैमिली को बचा के रखना है, तो मैं जिंदगी में आगे निकलना जरूर पड़ेगा। और 40th day मैं मेरा ऑफिस को जाके फिर ज्वाइन किया और एक कोशिश के बाद मैं ये समझने लगा कि काफी कुछ मैं कर सकता हूँ। जाहिर है कि जिस पद पे आप काम कर रहे थे वो करना मुश्किल हो गया होगा और मुझे मालूम है कि आपने वही असाइनमेंट को आगे बढ़ाया, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट होने के नाते दृष्टि और आंखें बहुत जरूरी होती है जी, क्योंकि हम माइक्रोस्कोप के अंदर जांग के देख के वो क्या बोलते हैं माइक्रोब्स को देख के वो डायग्नोसिस वगैरह देते हैं जी। लेकिन मेरे साथी जो थे ये महसूस दिलाया मुझे, आपका जो क्या बोलते हैं नॉलेज है जी, इनके जरिए आप अगर हमारे आंख से आप देखे तो आपका जो भी आप करते थे वो कर सकेंगे आप। तो आप अपने कोलीग्स के मदद से आप अपना काम आगे जारी रखा जी, और उसके साथ ही मैं ये एक्सप्लोर करते चला गया कि वो मेरा नॉलेज तो था मैं कैसे बांटू लेक्चर्स के सहारे, नहीं तो मुश्किल केसेस के सहारे दूसरी तरीके से कैसे इस्तेमाल करो वो डायग्नोसिस करने के लिए। और मेरा इनिशियली क्या बोलते हैं डॉक्टर्स सब जरा स्केप्टिक थे जी, बट उसके बाद जब क्या बोलते हैं हफ्ते बदलते बदलते महीने हो गए, उन लोगों को ये समझ में आया ये आदमी में कुछ है और जो भी वो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा मैनेजमेंट भी वही काम पे सपोर्ट किया, हालांकि मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से लेके एडवाइजर बनाया, उसके बाद क्वालिटी मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव QMR फॉर ISO सिस्टम्स बनाया हॉस्पिटल के लिए जी, और कोऑर्डिनेटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन, और माइक्रोबायोलॉजी छोड़ के मैं एक संस्था का मेडिकल डायरेक्टर भी बन गया। सेम उसी संस्था का तो इस मेडिकल एज अ मेडिकल डायरेक्टर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जो है गुजरात महाराष्ट्र और कर्नाटक में है अभी हमारा 6 units जी, सो उस सभी यूनिट्स का रिक्रूटमेंट, डॉक्टर्स का रिक्रूटमेंट, वो हेल्थ केयर डिलीवरी का प्रोसेस जी, सभी मुझे ये देखना पड़ता है जी। और आपका टीम कितना बड़ा है? 7 people इमीडिएटली अंडर मी, 78 people इन द ऑर्गेनाइजेशन, हर यूनिट में 50 to 70 जने होते हैं जी, और उसमें डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स 20 to 38 तक होते हैं, ऑल ऑफ देम रिपोर्टर। आप तो दुनिया भर सैर करते हैं और पेपर्स प्रेजेंट करते हैं,
तो आप काफी रिसर्च करते हैं और सुना है कि आपका टॉक्स वगैरह बहुत ही वेल रिसीव्ड होता है, ये आप कैसे करते हैं? जो भी रिसर्च जो है मैं इंटरनेट से ज्यादा माहिती प्राप्त करता हूँ और उसके जरिए मैं जो भी वो एनालिसिस करके और मेरा कॉलीग्स के साथ डिस्कस करके, और दूसरी जो बात है आजकल इलेक्ट्रॉनिक बुक्स मिलने लगा है जी। एक रीडर्स की जरूरत जो पहले थी जी। अब कम होते जा रहा है बिकॉज डायरेक्टली वो फोनेट कर सकता है और मैं समझ सकता हूँ। एक तो दिक्कत है जो ग्राफिक्स या फोटोग्राफ्स वगैरह है जी। कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पढ़ नहीं सकते जी जी। इसके लिए क्या करता हूँ, एक दो आदमी से वही चित्र को मुझे डिस्क्राइब करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि अगर एक आदमी ने कुछ गलती से एक एक्सप्लेनेशन नहीं दिया मुझे, इसीलिए दो या तीन जने को इस्तेमाल करके मेरा समझ उधर से लेता हूँ। और जो भी प्रेजेंटेशन जो है पावर पॉइंट के जरिए करता हूँ। मेरा जो मेमोरी जो है आई फाइंड इट इट कैन ग्रैपल विद 50 स्लाइड्स विदाउट प्रॉब्लम। और आपके जो इमीडिएट परिवार है, जैसे कि आप वाइफ हैं, आपके दो बच्चे हैं, पिछले 12 सालों में उनका सपोर्ट आपका क्या था? व्हाट वाज देयर पॉजिटिव रोल? एक्चुअली इट इज बिकॉज ऑफ देम आई एम हियर टुडे। मैं उनके साथ पिक्चर को भी जाता हूँ, वॉक को भी जाता हूँ, उनके साथ हल्ला करता हूँ जी। आई मीन कभी कभी मुझे ये भी महसूस नहीं होता है, मुझे दिखता भी नहीं है। दैट्स द स्टेज आई हैव रीच्ड। तो अगर आप हमारे सुनने वालों को कुछ कहना चाहेंगे, पिछले 12 साल के आपका जिंदगी का जो अनुभव है वो क्या होगा? देखिए, दृष्टिहीनता होती है, इसके बावजूद भी आप ये कोशिश ना करें क्या मैं क्या कर सकता हूँ, आपको कभी हौसला नहीं बढ़ेगा, आपको ये हिम्मत नहीं होगा कि मैं ये भी कर सकता हूँ। मुझे जो हौसला मिला है इसीलिए कि मैं हाथ बढ़ाया और किसी और ने था उधर थामने के लिए और दिखाने के लिए। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा कोई सेटबैक्स होते हैं उसको पीछे छोड़ दीजिए, आप उसको पीछे छोड़िए, अच्छा हो गया है, आप आगे बढ़िए और आपके साथ चलने के लिए कई लोग आ जाएंगे सामने। 100% अगर आप डर के घर में बैठ गए तो फिर जो जैसे कहते हैं कि जो डर गया वो मर गया। बिल्कुल सही कहा। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे कार्यक्रम में भाग लिया और बात किया। थैंक यू जॉर्ज। अधिक जानकारी के लिए हमारे आई वे हेल्प डेस्क 011-460-7038 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.iway.org पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, माइक्रोबायोलॉजी ही नहीं, दृष्टिहीन लोग केमिकल साइंस के क्षेत्र में भी अपना दम खम दिखा चुके हैं और उन्हीं में से एक हैं अमेरिका के डॉक्टर हेनरी गिलमन। दोस्तों, मैं हूं हेनरी गिलमन। सन 1893 में मेरा जन्म अमेरिका के बोस्टन शहर में हुआ। 25 साल की उम्र में मैंने रसायन विज्ञान की पढ़ाई में पीएचडी की और जल्द ही एक प्रोफेसर के तौर पर काम करने लगा। इसी दौरान मैंने ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री पर शोध करना भी शुरू किया। सन 1947 में जब मेरा करियर बुलंदियों पर था, काला मोतिया यानी ग्लोकोमा के हो जाने से मेरी आंखों की रोशनी लगभग चली गई। लेकिन इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को मैंने अपने किसी भी कार्य में बाधा नहीं बनने दिया। मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाना जारी रखा और उधर दूसरी तरफ अपने शोध कार्य के लिए कुछ लोगों को चुन लिया। दोस्तों, दृष्टिहीन होने के बाद भी मुझे अपने जीवन में कई बड़ी कामयाबियां मिली। 50 के दशक में मेरे द्वारा लिखे गए 312 प्रकाशन लोगों के सामने आए और उसके अगले दशक में 198। इतना ही नहीं, मुझे सन 1951 में अमेरिकन केमिकल सोसाइटी की तरफ से गोल्ड मेडल मिला। साथ ही अमेरिका और इंग्लैंड की कुछ संस्थाओं और यूनिवर्सिटीज ने मुझे मेरे काम के लिए सम्मानित भी किया। दोस्तों, मैं मानता हूं कि दृष्टिहीनता एक बाधा है, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक सके। 1986 में हेनरी गिलमन की मृत्यु हो गई। हेनरी गिलमन ने खुद को न सिर्फ एक अच्छे केमिस्ट बल्कि एक बेहतर अध्यापक के रूप में भी साबित किया।
तो दोस्तों, अभी आपने जाना हेनरी गिलमन के जीवन के बारे में, जिसे बता रहे थे अमित भट्ट। अमित बचपन से दृष्टिहीन है और वो एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी में MIS एनालिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। स्वीडन के गुस्ताव डैनल ने फिजिक्स में 1912 में नोबेल प्राइज जीता है। गुस्ताव डैनल ब्लाइंड थे। मैंने सही कहा ना सलीमा जी? शेरू शेरू, तुम कहते तो हमेशा ही सही हो, बस टपक पड़ते हो बिना बताए। मैं तो बस यही बताना चाहता था कि हमारे देश में कुछ युवा ऐसे भी हैं जो अपनी दृष्टिहीनता को दरकिनार कर विज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों में पढ़ाई कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। वाह वाह, शाबाश, बहुत सच्ची बात कही तुमने शेरू भैया। और दोस्तों, चलिए हम आपको वो बताने वाले हैं जिसका आप सभी को इंतजार है। देखिए देखिए, सच कहा ना मैंने? एपिसोड नंबर 114 में पूछे गए सवाल का जवाब। एपिसोड नंबर 114 में हमने आपसे पूछा था, जब हम मोबाइल रिचार्ज करवाने दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार अपने मोबाइल फोन से ही ग्राहक के मोबाइल में टॉक टाइम बैलेंस ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन यदि दुकानदार दृष्टिहीन है तो वो खुद उस मोबाइल से ग्राहक के मोबाइल में बैलेंस कैसे ट्रांसफर करेगा? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि अपने मोबाइल फोन में टॉकिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके। और विजेता का नाम अनाउंस करने के लिए मैं बुलाती हूँ, अरे साहब आप समझ ही गए होंगे, और कौन है, जी हाँ वही है, प्रणय गड़ोदिया। शुक्रिया सलीमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एपिसोड 114 यानी 114 के लकी विजेता बने हैं ईमेल से जवाब देने वाले अभेश कुमार, पटना बिहार से। अभेश जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और दोस्तों, इसी तरह से मोबाइल फोन में टॉकिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके अपने कस्टमर्स का मोबाइल रिचार्ज करते हैं गुवाहाटी के गौतम बरुआ, है ना बढ़िया बात। और दोस्तों, अब एपिसोड नंबर 116 यानी के 116 का सवाल सुन लीजिए। सवाल है, कितने वर्ष की आयु तक हमारी नजर पूरी तरह यानी के 6/6 तक विकसित हो जाती है? आपके ऑप्शंस हैं ए 1 साल, बी 2 साल और सी 5 साल। क्वेश्चन फॉर आवर टुडेज एपिसोड, दैट इज एपिसोड 116, इज बाय व्हाट एज इन लाइफ आर आईसाइट इज फुली डेवलप्ड टू द मैक्सिमम ऑफ 6/6। योर ऑप्शंस आर ए 1 ईयर, बी 2 ईयर्स एंड सी 5 ईयर्स। और याद रखें, अपने जवाब में अपना नाम, पूरा पता और एपिसोड नंबर जरूर लिखें। इस सवाल का जवाब आप 7 दिनों के अंदर हमें लेटर, ईमेल या SMS द्वारा भेज सकते हैं। हमारा पता है, प्रोग्राम आईवे यह है रोशनी का कारवां, केयर ऑफ स्कोर फाउंडेशन, पोस्ट बैग नंबर 3903, न्यू दिल्ली 110049। SMS के लिए हमारा नंबर है 0 9968 329 329, यानी 0 9968 329 329। और हमारा ईमेल आईडी है radio@eyewa.org। घड़ी कर रही है इशारा कि हमें आपसे लेनी है विदा, लेकिन इस वादे के साथ कि आने वाले महीने के चौथे बुधवार यानी कि 25 मार्च को हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी कि सलीमा रजा को दीजिए विदा, शब खैर। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। हर दूसरे और चौथे बुधवार को आप सुन सकते हैं इस कार्यक्रम को रात 9 बजे। रोशनी का कारवां।